नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप और मैं करिश्मा आपके साथ। रांची पुलिस ने बिहार से जुड़े एक हथियार सप्लायर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो झारखंड में नक्सलियों और आपराधिक संगठनों को हथियार मुहैया कराता था। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से AK-47 की 295 पीस गोलियां और 1,93,000 रुपए नकद भी मिले हैं। रांची सिटी SP अंशुमान कुमार ने बताया कि बिहार के गया के रहने वाले इन दो अपराधियों में ईश्वर पांडे और प्रीतम मिश्रा शामिल है। दोनों मूल रूप से गया जिले के रहने वाले हैं। हालांकि प्रीतम फिलहाल रांची में रह रहा था और हाल के दिनों में उसका साथी भी वहीं शरण लिए हुए था। जानकारी के अनुसार इन सप्लायरों ने बिहार के भोजपुर इलाके से ही कारतूस लिया था, जिसे झारखंड के नक्सलियों और अपराधियों तक पहुंचाना था, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को मिल गई और फिर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस इन दोनों की अपराधियों की कुंडली खंगाल रही है और उसी आधार पर इस नक्सली यानी इससे नक्सली के तार को यानी डिकोड करने का काम करेगी। उसके अनुसार हम लोगों ने रेड किया और इसमें से दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। इसके पास से 295 AK-47 की गोली मिली है, साथ ही 1,93,000 रुपये भी इनके पास से कैश बरामद हुआ है। इनका मुख्य रूप से काम यही होता था कि ये बिहार इत्यादि से आकर गोली लाकर यहाँ रांची में भी खरीद बिक्री करते थे और अन्य किसी जगह पर उसको भिजवाते थे। यह गोली कहाँ जाने वाली है, इसकी सूचना हम लोगों ने प्राप्त की है। इस पर अनुसंधान अभी तक जारी है ताकि इसका मेन जो डेस्टिनेशन है उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर पाए। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, पुलिस ने एक हथियार सप्लाई गिरोह का भंडाफोड़ किया है, कैसे ये पूरी सफलता हाथ लगी? जी बिल्कुल, यह पिछले दिनों राजधानी में हथियार और इसके साथ में गोलियों का सप्लायर के रूप में एक गिरोह सक्रिय था, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर सदर DSP और CT SP खुद एक टीम गठित किए और जगह जगह पे छापेमारी किए, लेकिन इन लोगों का जो आधार से था वो ज्यादा इसमें कामयाब रहा। और उसके साथ ही जो लोअर बाजार थाना और सदर DSP थे, उन लोगों के द्वारा कई जगहों पे छापामारी की गई। उसके बाद यह खुलासा हुआ, जिसमें AK-47 के साथ साथ बिहार के दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग पिछले कई महीनों से राजधानी में हथियार का सप्लायर करते थे और गोलियों का सप्लायर करते थे। वही जिस तरीके से जो खुल के सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं इन लोगों का नक्सलियों से भी सांठगांठ है और ये लोग नक्सली तक भी हथियार और असला पहुंचाने का काम किया करते थे, लेकिन इसके पहले ही इनकी गिरफ्तारी हो गई है और लगातार पुलिस के द्वारा इनकी पूछताछ की जा रही है और कई मामले जो है इनसे कुछ खुलासे हो सकते हैं जो कि अभी पुलिस के द्वारा नहीं बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखना होगा कि पूछताछ के बाद क्या कुछ और अहम खुलासे होते हैं। तमाम जानकारी के लिए राजेश, आपका शुक्रिया।